अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ एवं राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर बुधवार को प्रधान डाकघर कार्यालय पर विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल किया। प्रमुख मांगों में नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करना, रिक्त पदों को भरना, मृतक आश्रितों को शत प्रतिशत नौकरी देना एवं ग्रामीण डाक सेवकों के संबंध में कमलेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना। मांगे पूरी न होने पर डाक कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। हड़ताल में अरविंद कुमार सुमन, उमा शंकर सिंह, अजय कुमार पांडे, आनंद सिंह, इंद्रमणि त्रिपाठी, आर एस चंद्र, विजय कुमार राय सहित भारी संख्या में डाककर्मी शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मंडलीय सचिव ए के सुमन ने कहा, जिंदाबाद जिंदाबाद। नई पेंशन योजना लागू करो, लागू करो, लागू करो। एनपीएस वापस लो, वापस लो, एनपीएस। अपनी मांगे लेके रहेंगे। अरविंद कुमार सुमन नाम है मेरा, मंडलीय सचिव नेशनल यूनियन का, और हम लोग केंद्रीय कर्मचारियों के जेसीए के तरफ से 2 दिन का हड़ताल आह्वान किया गया था। कल से हम हड़ताल पर पूरे डाक कर्मचारी अड़े हुए हैं और हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसमें नई पेंशन योजना को समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए है, खाली पदों को भरने के लिए है, और जिस तरह से अधिकारी लोगों को 5 प्रमोशन मिलता है उसी तरह से डाक कर्मचारियों को भी 5 प्रमोशन मिलना चाहिए, इसकी मांगे हैं। और सप्ताह में हमारा प्रशासनिक कार्यालय जो है 5 दिन का वर्किंग डे होता है, हमारे ऑपरेटिव ऑफिस में भी 5 डेज का वर्किंग होना चाहिए, और जो भी हमारा सिस्टम लागू है, एक नया सिस्टम हमारे पोस्ट ऑफिस में लागू है CSI, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, कर्मचारी काफी उसमें परेशान है, उसमें काम करने में लोग असमर्थ हो रहे हैं, उसमें जितनी विसंगतियां हैं उस विसंगतियों को समाप्त करने के लिए हम लोग ने आवाज उठाई है। और जीडीएस कर्मचारियों को जो हमारा कमलेश चंद्रा कमेटी का जो रिपोर्ट है उसको 100% लागू करने के लिए हम लोग लंबवत हुए हैं, और अनुकंपा के आधार पर 100% बहाली किया जाए। सरकार ने हमारी जितने भी मृतक कर्मचारी होते हैं उनके 5% बहाली को निश्चित उसने कर दिया है, उसको हम लोग चाहते हैं कि जितने मृतक आश्रित आते हैं उनको 100% सरकार बहाली दे, 100% नौकरी दे उसको। केंद्रीय कार्यालयों में अन्य भी कार्यालयों में 100% नौकरी दी जाती है, ऐसा कहीं नहीं है जहाँ 5% का सीलिंग रखा गया। आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? आगे की रणनीति, अगर 2 दिन की हड़ताल चल रहा है इसके बाद हड़ताल मेरी समापन होगी, अगर सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तब आगे का आने वाले दिनों में निश्चित कर हड़ताल भी करने के लिए घोषणा कर सकते हैं।